कोरोना से बचाव का दारोमदार अब वैक्सीन पर है। वैक्सीन ही अभी दवा है, लेकिन देश के कई राज्यों से वैक्सीन की किल्लत की शिकायतें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र ने तो वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म होने का अंदेशा जताया है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि चिंता की कोई बात नहीं है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं, एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का? वैक्सीन से लड़ाई में जरूरी है दवाई, लेकिन आम लोग क्या करें जब दवा ही स्टॉक से हवा हो जाए? जिंदगी के लिए जिन दो बूथ को जरूरी बताया जा रहा है, उसकी सप्लाई पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार सप्लाई में भेदभाव का आरोप लगा रही है। वैक्सीन का बहुत कम सप्लाई आ रहा है, और इसीलिए कोई हालत में अभी हमारे को ये देखना है कि सिर्फ 9 लाख डोसेस आज के दिन में उपलब्ध है। तो 9 लाख अगर हम 6 लाख के या 5 लाख के हिसाब से जाता है तो 1.5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। वैक्सीन पर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में ठन गई है। महाराष्ट्र सरकार के अपने दावे हैं और केंद्र सरकार के अपने दावे। हर एक चीज का एक वैज्ञानिक पहलू है। हर एक चीज जो है, जो भी फैसला किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड किया गया है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं, 5 लाख डोज तो खराब कर दिया। 5 लाख डोज कम नहीं होते। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति। देश में अब तक 9.02 करोड़ टीके लग चुके हैं। 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। टीकाकरण के आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र नंबर 1 है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत हो गई है। वैक्सीन का संकट कुछ और राज्यों में भी बताया जा रहा है। तो देखिए, अब उसके बाद भी अब हम तो सौतेले बेटे हैं, तो स्वाभाविक है कि अपना बेटा को और सौतेला बेटा को जो है किस तरीके से प्यार किया जाता है परिवार में, तो सब जानते हैं। और ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ किया गया है। देखिए, खुराक जितना भी होगा, जितना हमारे देश के अंदर 2 वैक्सीनों को प्रमाणित करने के बाद उनका उत्पादन क्षमता जितना भी होगा, वो पूरे राज्य में बराबर में बांटा जा रहा है जनसंख्या के आधार पर। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब इस वजह से निर्यात बंद करने के बाद भी थोड़ी सी कमी आ रही है, मगर इतना पर्याप्त आ जा रहा है प्रतिदिन कि हम उतना कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट वैक्सीन फ्रॉम सेंटर। अगर ये 2 दिन में नहीं आया तो हमको बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग का 1400 से 700 सेंटर बंद हो चुका है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की शिकायतें मिल रही हैं। अगर कोरोना पर फतेह पाना है तो वैक्सीन की सप्लाई में कोताही नहीं चलेगी, और न ही सियासत से ही संकट काबू में आएगा। आज तक ब्यूरो,